इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में सभी टीमें अंतिम चार में प्रवेश को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है, जिसमें कुछ टीमों के सामने आगे की डगर काफी मुश्किल होती जा रही है। वहीं कुछ टीमें टॉप फोर के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। इसी बीच हर किसी की नजरें पॉइंट टेबल पर टिकी हुई है। हर मुकाबला अपने आप में महामुकाबला बनता जा रहा है। जैसे जैसे आगे प्लेऑफ की रेस बढ़ती जा रही है, पॉइंट टेबल में टीमें अपने आप को अंतिम चार रखने पर पुरजोर कोशिश में हैं, जहां हर मैच हर दिन के साथ समीकरण बदलते जा रहे हैं। गुरुवार को मौजूदा सीजन का 33वां महामुकाबला खेला गया और इस मैच में अंक तालिका की सबसे बॉटम की टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने हुई, जहां अंक तालिका में नीचे एक बार फिर कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बताएंगे क्या यहां से चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हराने के बाद, दो मुकाबले जीतने के बाद प्लेऑफ में जगह बना भी सकती है या नहीं, कैसे चेन्नई सुपर किंग्स की अभी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं और कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो यहां से क्या करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं चेन्नई और मुंबई के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट टेबल की तो आपको पॉइंट टेबल तो समझा ही देते हैं। पॉइंट टेबल के अंदर आईपीएल के सीजन में पहली बार खेल रही गुजरात टाइटंस की टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 6 में से 5 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट के साथ टीम पहले पायदान पर है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी कहीं न कहीं 7 में से 5 मैच जीती है। उनकी नेट रन रेट भी काफी अच्छी है और 10 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर है। आप क्या सोचते हैं, पहले पायदान पर और दूसरी पायदान पर टीम की जगह अब लगभग प्लेऑफ में पक्की मानी जा रही है? इन टीमों को आधे मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से महज 3 मुकाबले जीतते ही प्लेऑफ की रेस में इनकी जगह पक्की हो जाएंगी और जिस तरह से ये फॉर्म में नजर आ रही है इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस कैसे प्लेऑफ में जगह बना सकती है और खास तौर पर चेन्नई की इस जीत के बावजूद भी क्यों मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। तो चेन्नई के बारे में जानने से पहले आइए नजर डाल देते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। मुंबई इंडियंस क्या यहां से प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी? मुंबई इंडियंस इस साल बेहद खराब प्रदर्शन कर रही है और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। कहीं न कहीं टॉप पे होने वाली टीम इस बार बॉटम पर नजर आ रही है। 7 मुकाबले खेलकर 7ों के 7ों हार कर ये टीम माइनस में नेट रन रेट होने की वजह से और कहीं न कहीं कोई पॉइंट टेबल में पॉइंट ही नहीं होने की वजह से 10वें पायदान पर है। यहां मुंबई को अब भी 7 मुकाबले तो खेलने हैं लेकिन शुरुआती सीजन के आधे मुकाबलों से ही वो बाहर हो चुकी है। ये ज्यादा से ज्यादा 7 मुकाबले खेलकर 14 पॉइंट हासिल कर सकती है और किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 16 पॉइंट की जरूरत होती है। मुंबई इंडियंस 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह तो बना सकती है लेकिन चौथी टीम जो क्वालिफाई करेंगी उसके भी पॉइंट 14 और मुंबई को नेट रन रेट काफी अच्छा बनाना होगा। वहां से ऐसे कोई समीकरण बनेंगे जहां मुंबई इंडियंस दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिलहाल चेन्नई दूसरी टीम के ऊपर तो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चेन्नई ने 7 में से 2 मुकाबले तो जीते हैं और 4 पॉइंट उनके पास भी है। 7 मुकाबले अभी भी इन्हें खेलने हैं और उसमें से अगर ये 6 मुकाबले हर हाल में जीत लेती है, 7 में से 6 जीत लेती है तो 16 पॉइंट उनके पास हो जाएंगे और वो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। अब ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने यही बड़ी समस्या है कि 7 में से 6 मुकाबले तो हर हाल में जीतने होंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक और मुकाबला हार सकते हैं आप, वरना आप यहां से प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगी। ऐसे में चेन्नई की जीत के बावजूद भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है क्योंकि पॉइंट टेबल में अभी भी वो 9वें नंबर पर है और अभी भी उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा आगे है। लंबा सफर है और चेन्नई जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रही है लगता है कि वो ऐसा कर भी सकती है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।